नमस्ते इंडिया। गर्मियों का मौसम आ गया है और वो अपने साथ ऑयली स्किन को भी लाया है। और तो और इस दौरान ऑयली स्किन, पिंपल्स, टैनिंग, रैशेस, दाग धब्बे और तो और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो चेहरे का जो निखार होता है वो पूरी तरह से कहीं पर खो जाता है। अगर इन सब चीज़ों के चलते आपको कोई केमिकल वाले, कोई महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस दौरान आइस पैक थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, चेहरे पर बर्फ़ को लगाया जा सकता है, इससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है और साथ ही में आपका जो निखार कहीं पे खो गया हो उसको भी वापस लाने में मदद करता है। और तो और पिंपल्स और दाग धब्बों को भी दूर करने में मदद करता है। तो आज हम कुछ इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आइस को, यानी कि बर्फ़ को स्किन पर लगाने के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, और तो और उसको यूज़ करने का सही तरीके के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बर्फ़ अपने चेहरे पर, अपने स्किन पर लगाने के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। बर्फ़ का इस्तेमाल ना तो सिर्फ सूजन और दर्द को कम करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसको आप चेहरे पर भी लगा सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो तो इस दौरान भी आप आइस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने चेहरे पर आप बर्फ़ लगा के ये जो एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है उस एक्सेस ऑयल को भी हटाने में बर्फ़ जो है वो आपकी मदद कर सकता है। साथ ही में स्किन पर जो बड़े बड़े पोर्स खुल जाते हैं उसको बर्फ़ जो है वो श्रिंक कर देता है, और उसकी वजह से पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आपकी आँखों के नीचे सूजन हो गई है, यानी कि सुबह उठते आँख जो है वो बहुत ही सूजी हुई दिखती है, बहुत ही पफ़ी दिखती है, तो इस दौरान भी आँखों के नीचे के भाग में आप बर्फ़ लगा सकते हो। इससे भी जो है वो पफ़ीनेस से आपको छुटकारा मिल सकता है। और तो और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं तो इस दौरान भी आप बर्फ़ को आँखों के नीचे लगा सकते हो। तेज़ धूप में बाहर से आप घर पर आ रहे हो और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही पूरी रेड हो गई है और आपको जलन हो रही है, तो इस दौरान आपको तुरंत आइस पैक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इस दौरान भी अपने स्किन पर आइस लगा सकते हो, बर्फ़ लगा सकते हो। इससे आपको जलन में ठंडक मिलती है, आपको जलन से राहत मिलती है, और तो और लाली मार से भी आपको छुटकारा मिलता है। गर्मियों में बर्फ़ लगाना ये किसी पोषण देने के बराबर है। देखिए, इस दौरान अगर आप गर्मियों के दिनों में आप अपने चेहरे पर बर्फ़ लगाते हो तो एक तो आपकी जो स्किन है वो एकदम जवां दिखती है, और साथ ही में झुर्रियाँ और जो रिंकल्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई देते हैं, क्योंकि बर्फ़ जो है वो रोम छिद्रों को एकदम छोटा कर देता है और इसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो निखरी निखरी दिखने लग जाती है। साथ ही में आप जब बर्फ़ लगाते हो तो आपको इंस्टेंट ग्लो भी मिलता है। और तो और सही तरीके से अगर आप बर्फ़ का इस्तेमाल करोगे तो इससे चेहरे पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारी बातें तो हमने कर ली कि बर्फ़ लगाने के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक आता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक मुलायम कपड़ा लेना है, उसके अंदर बर्फ़ डालें, जैसे हम ठंडी सिकाई करते हैं बस वैसे ही आपको करना है। कभी भी डायरेक्ट बर्फ़ को अपनी स्किन पर कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, इससे आपकी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है। इसलिए हमेशा बर्फ़ को इस्तेमाल करने के लिए आपको हमेशा कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, आपको कपड़े में बर्फ़ डालकर उसको आइस पैक की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसको सर्कुलर मोशन में आपको रगड़ते जाना है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, आपको दिन में सिर्फ एक ही बार बर्फ़ लगाना है, और चाहो तो आप हफ्ते में 4 से 5 बार आप लगा सकते हो। और अगर आप बर्फ़ नहीं लगाना चाहते हो तो आप ठंडा बर्फ़ वाला पानी से भी आप अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हो।